फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो गए। अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर हो गई है जैनब रेडी नानी के यहाँ जाने के लिए। एक्चुअली हमारे मुंबई जाना है मुझे, तो मैंने सब बैग पिक्स वगैरह पैक कर लिया है। एक फंक्शन है मुंबई में, तो उसको अटेंड करने जाना है। मेरी फ्रेंड या बहन बोल लो, और मेरी बहन की सिस्टर इन लॉ है वो, तो उनकी शादी है, तो उनको अटेंड करना ही है मुझे, तो इसीलिए हम जा रहे हैं मुंबई। तो और थोड़े से वीडियोस लेट हो रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पर मुंबई आई हूँ मम्मी के यहाँ, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में और एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, इंशाल्लाह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बनेंगे तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये हमारे बैग्स वगैरह लेकर हम निकल गए, ओला भी नीचे आ गई थी, तो हम ओला से जाएंगे मुंबई। और ये टाइम हस्बैंड के लिए भी बहुत टफ होता है, हमको छोड़कर अकेले रहना। तो बच्चों को देख रहे थे और दोनों को बाय कर रहे थे, और मुझे भी मिल लिए वो। और ये देखिए, हसनैन से और जैनब से एक अलग ही है उनका अटैचमेंट, बहुत ही मिस करते हैं वो। दिन में 5-6 बार तो कॉल करते हैं ये बच्चों की वजह से। और हम निकल गए मुंबई के लिए। और ये हम लोनावला पहुंच गए, और लोनावला आए और चिक्की ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव भी खाया हमने। और ये हम पहुंच गए अपने घर फ्रेश वन अप होकर, और सबसे मिलने के बाद मैं आ गई हसनैन रजा के पास, उनके पास। हसनैन ने उनके लिए गिफ्ट लिया था, तो बस वही दे रहा था हसनैन उनको। और देखते हैं आगे रिएक्शन हसनैन रजा का और मेरे बच्चों का साथ में। ये टॉय हसनैन रजा से ज़्यादा तो मेरे बच्चों को पसंद आया, बस वही खेल रहे हसनैन रजा से ज़्यादा। रजा तो अभी बहुत छोटे हैं, वो इतना उनको समझ नहीं है। जैनब और हसनैन ज़्यादा खेलते हैं इसको, टॉय को। और ये कितना क्यूट है, कितने अच्छे तरीके से ऐसा राउंड घूमता है, बहुत अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने ये ले ली हसनैन रजा के लिए। और बाद में छोटे मामू आने के बाद हसनैन और जैनब उनके साथ खेलने लगे। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने जो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिए थे मेरे लिए और बच्चों के लिए, तो वो मुझे कपड़े दिखा रहे। मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी जैनब को पहना कर, जब हल्दी मेहंदी के फंक्शंस होंगे तब। अब फ़िलहाल ऐसे ही देख लीजिए, ये मेहंदी के लिए मम्मी ने लिए है जैनब के लिए, और भी उसको शादी के लिए और वलीमे के लिए जो ड्रेस होते हैं वो भी लेना है। आगे बहुत अच्छे अच्छे इंशाल्लाह व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी मैं। और मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुझे लैपटॉप यहाँ पर मिल नहीं रहा है, और मुझे फ़ोन से एडिट करने के लिए जम नहीं रहा है। तो देखते हैं, जैसा भी होता है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये भी मम्मी ने लिए, ये बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था, और ये हल्दी के लिए लिया हुआ है। मैं आगे आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी जैनब के लुक्स। और ये कैट आ गई थी हमारे घर पर, नेबर की थी, तो उन्होंने दिए थे जैनब के साथ खेलने के लिए। और इसकी आईज़ मुझे बहुत पसंद आई, कितनी क्यूट है। और कैट्स वगैरह मेरे बच्चों को पसंद है, वो बिल्कुल नहीं डरते। जैनब भी इवन उसको लेकर बैठी हुई थी, उसको प्यार कर रही थी, अब वो सोकर उठी हुई थी ना, तो इस वजह से अभी कुछ रिएक्ट नहीं की उसने। और फिर हम नेक्स्ट डे की क्लिप है, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। 11वीं शरीफ करना था हमें, नियाज करना था, तो बस 11 चिराग लगा दिए हमने, और साथ में हमारे घर के जो पीर होते हैं उनके भी लगाते हैं हम, तो ये गौसपाक की नियाज भी हो गई। तो यही था मेरा फ्रेंड्स व्लॉग छोटा सा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और पास ही में बेल आइकन का भी बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप लोगों को जल्दी देखने मिले। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।